नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। थोड़ा विलंब से हम जरूर आए हैं, लेकिन अभी जो हम खबर आप तक लेकर आ रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उम्मीद करता हूं कि अभी के बाद ना सिर्फ इस बात को लेकर चर्चा होगी, लेकिन तरह तरह की चर्चा भी शुरू हो जाएगी। जितनी मुंह उतनी बात सुनने को मिलेगी। दरअसल जो राज्य में भाषा को लेकर आंदोलन चल रहा था, और समर्थन और पक्ष और विपक्ष दोनों में इस तरह की बातें सुनने को मिल रही थी, अब उसका पटाक्षेप हो गया है। बार बार ये कहा जा रहा था कि राज्य के मुख्यमंत्री को एड्रेस करना चाहिए कि वो भाषा विवाद को किस तरीके से निपटाना चाहते हैं। तो मेरे पास जो एक नया अधिसूचना आज राज्य सरकार ने जो जारी किया है वो है, और हमारे सहयोगी जो संजय हैं उनके पास पुरानी अधिसूचना है। दरअसल ये वो अधिसूचना है जिसमें जो जिला के साथ साथ जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा को जोड़ने की बात हो रही थी। बार बार आपको याद होगा कि धनबाद और बोकारो जिले में वहाँ से भोजपुरी और मगही को उठाने की बात हो रही थी, हटाने की बात हो रही थी, और इसको लेकर कांग्रेस कहीं समर्थन कर रही थी कि नहीं वैसा रहना चाहिए। रामेश्वर उरांव का भी आपने बयान सुना होगा, लेकिन आखिरकार हर चीज़ सुनने और समझने के बाद एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद और बोकारो से जो भोजपुरी मगही भाषा थी उसको हटा दिया है। हमारे साथ संजय हैं। संजय, और क्या कुछ नई अधिसूचना में बदलाव की गई है क्या? जो सिर्फ विवाद धनबाद और बोकारो जिला को लेकर था वही चेंज है, या सरकार ने और भी कुछ बदलाव किया है? नहीं बाबा, देखिए दो जगहों पे विवाद था, दो जिलों में, बोकारो और धनबाद में, और इन दो जगहों पे ज़्यादातर जो है जो भाषा का जो आंदोलन चल रहा था भोजपुरी और मगही के विरोध में, उसको हटाने के विरोध में, वहीं पे सरकार ने जो है सिर्फ बदलाव किया है। और ये जो अधिसूचना जिसकी जिक्र आपने शुरुआत में की कि 24 दिसंबर 2021 को जो सरकार ने जो अधिसूचना जारी किया था, और उसमें जो मगही और भोजपुरी को जिलों में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय जो जो भी वैकेंसी आने वाली थी फ्यूचर में, उसमें स्थानीय भाषा के तौर पे जो है दर्जा दिया गया था भोजपुरी और मगही को, उसके पीछे वकालत ये किया गया था सरकार की ओर से उस समय जब ये जारी किया गया था, यानी कि 24 दिसंबर 2021 को बोला गया था कि चूंकि बोकारो और धनबाद में भी भोजपुरी बोलने वाले लोगों की संख्या है, और इसकी वकालत कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था, उसके जो धनबाद के और झरिया के जो विधायक हैं झरिया के पूर्णिमा नीरज सिंह, उन्होंने की थी, और भी कई लोग सरकार के भीतर के लोग, सरकार के कैबिनेट के लोग कर रहे थे। और अब जबकि इसको लेकर के पूरा विवाद छिड़ गया धनबाद और बोकारो में, और वो विवाद सिर्फ धनबाद और बोकारो तक सीमित नहीं रहा, वो राज्य भर में जो है इसका विरोध होने लगा। स्थानीय लोग जो ये बात कर रहे थे कि चूंकि भोजपुरी और मगही बोलने वालों की जो संख्या है वो गांव में नहीं है, जो जगन्नाथ महतो जो डुमरी से जीत करके आते हैं और इस बार अपने शिक्षा मंत्री भी हैं, उत्पाद विभाग भी उनके जिम्मे है, तो वो भी लगातार मुखर रह रहे थे, और वो ये बोल रहे थे कि शहरों में वैसे लोग भोजपुरी और मगही बोलते हैं जो बिहार से यूपी से आकर के बस गए हैं यहाँ पर, और वो यहाँ पर काम करते हैं। तो इनका कहना था कि काम करने की आज़ादी पूरी है, संविधान ने सबको काम करने का अधिकार दिया है, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो स्थानीय को ही देना चाहिए, और सरकार की प्राथमिकता में स्थानीय हो, और इसी के लिए इसका विरोध चल रहा था। मतलब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जगन्नाथ महतो अपने आवास पे किए थे, जिसमें ये क्या कहते हैं मथुरा महतो भी थे और पूर्व विधायक भी थे, तो ये मान लिया जाए कि इन लोगों का प्रेशर काम आ गया जगन्नाथ महतो का, मथुरा महतो का सरकार के ऊपर? नहीं, देखिए प्रेशर तो उन नौजवानों का काम आया है, क्रेडिट यहाँ पे जगन्नाथ महतो और सरकार को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए अगर आप पूरे आंदोलन को अगर आप देखेंगे। हाँ, एक चीज़ है कि सरकार को आपको धन्यवाद तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो भी यस या नो जो है सरकार को ही करने का वे था, सरकार ही कर सकती थी और सरकार ने किया भी, लेकिन अगर दबाव और क्रेडिट अगर देना चाहेंगे तो वो लोग जो इसके आंदोलन कर रहे थे, जयराम महतो है जो लीड कर रहा था वहाँ पे, जो एक युवा है वो लगातार इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहा था, हाँ उनका दबाव जगन्नाथ महतो और भी जो महतो लीडर्स हैं उनके ऊपर ज़रूर पड़ा, और उसके बाद जगन्नाथ महतो जैसे लोग, मथुरा महतो जी जैसे लोग
और अमित महतो जैसे लोगों ने जो है सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, और उसी का आज रिजल्ट है कि हम लोग अभी देर रात जो है घर जाने के बाद फिर से ऑफिस आए हैं कि ये लाइव किया जाए। तो मेरा ये एक सवाल है कि क्या सरकार ने विवाद को पटाक्षेप कर दिया विवाद का, या एक नई विवाद को जन्म दे दिया? नहीं, ये तो इसके बाद पता चलेगा, क्योंकि जैसे ही भोजपुरी और मगही भाषा का जब वहाँ के लोकल लैंग्वेज जो बोलने वाले लोग हैं और जो ये बोल करके विरोध कर रहे थे कि मगही और भोजपुरी बोलने वालों की संख्या यहाँ काफ़ी कम है और गांव में ऐसे लोग नहीं हैं, यानी कि उनका यही कहना था जो भी लोग विरोध कर रहे थे कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोग मूल निवासी यहाँ के नहीं हैं, स्थानीय नहीं हैं। तो अब जबकि भाषा आंदोलन के दौरान ही भोजपुरी मगही अंगिका बोलने वाले लोगों का एक हुजूम जो है उस आंदोलन के विरोध में जो सामने आया था, अब यह देखना होगा कि कल से इन लोग किस तरीके से अपनी रूपरेखा तय करते हैं। दो तीन डेट को लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। आज हम लोग खड़े हैं 18 तारीख को, 20 तारीख को अमित महतो अपना जो वो पहले डिक्लेयर कर चुके थे कि हम पार्टी छोड़ देंगे, उसमें क्या कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि वो सिर्फ भाषा को लेकर नहीं और कई मुद्दे को लेकर था। और दूसरी बात, कैबिनेट की बैठक होने वाली है, विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, तो इन सारे अगर सीक्वेंस को देख ले तो क्या जो हेमंत जी पे या उनकी सरकार पे प्रेशर बन रहा था वो एक ही झटके से प्रेशर रिलीज हो गया? अब ऐसा माना जाए कि कुछ अमित महतो भी अपने सोच में बदलाव करेंगे, या बाकी जो लोग कड़क होकर हेमंत सोरेन को बता रहे थे, संदेश दे रहे थे, वो भी अब कुछ नरम होंगे? देखिए, ये पूरा जो सवाल है बाबा, इसकी चर्चा हम लोग सिर्फ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। जब ये आंदोलन में शुरू हुआ और जब ये आंदोलन जब बड़ा होने लगा और जिस तरीके से महतो जाति के जो भी नेता हैं और उसमें इस आंदोलन में जब उनका इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ, तो उसी समय स्पष्ट था कि सरकार इसको बैक करेगी, इस पे वापस सरकार को जाना है, पूरा वोट बैक। क्रेडिट लेने का तो अब होगा ना, आंसू कहेगी कि हमारी लड़ाई थी, क्योंकि अगर दलगत देखे तो या तो वो स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे या पार्टी स्तर पे आंसू कर रही थी। बाबा आप चूंकि रघुवर दास की सरकार में भी आप पॉलिटिकल जर्नलिज्म ही कर रहे थे, तो आपको पूरा याद है, और जो भी लोग थोड़ा बहुत राजनीतिक रूप से थोड़ा जो सक्रिय रहते हैं उनको पता है कि रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, बीती सरकार, उसमें ही मगही और भोजपुरी को जो है मान्यता दिया गया था सबसे पहली बार झारखंड में, और उसमें जो चंद्र प्रकाश चौधरी जो मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे रघुवर दास की सरकार में, उनका भी उस पर सिग्नेचर था। तो इस आंदोलन के दौरान भी आंसू के ऊपर भी सवाल उठा कि आप अपनी सरकार में रहते भर में आप एक तरफ मान्यता देते हैं और दूसरी तरफ दिल्ली चले जाते हैं राष्ट्रपति के पास, तो ये जो ड्यूअल पॉलिसी है उस पर चर्चा हो रही थी। यहाँ पे बाबा देखिए, ये जो आपका सवाल, जो पिछला सवाल था कि क्या हेमंत सोरेन और उनकी सरकार और उनकी पार्टी या फिर जो गठबंधन की सरकार है उसमें उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, गठबंधन में कांग्रेस और राजद को इसका नुकसान होना है, जेएमएम की जो पॉलिटिक्स है और जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है वो जिस तरीके से वोट बैंक को एकजुट करने में लगी हुई है सरकार बनते के साथ ही, जब से हेमंत सोरेन ने फिर से दोबारा वागडोर संभाला 13 महीने की सरकार में नहीं, ये मौजूदा सरकार में, तो यहाँ पे उनकी जो अपनी जो लकीर खींचनी है उसमें वोट बैंक में जो है महतो जाति को भी जो है इन्वॉल्व कराना है पूरे तरीके से। अब जबकि यहाँ पे आंदोलन चल रहा था, अमित महतो जो कि जेएमएम के यूथ विंग का अध्यक्ष हैं और वो खुल करके अगर बात कर रहे थे भोजपुरी और मगही के विरोध में, हाँ वो तो कई मुद्दे और, थे और, उनके साथ। और बाबा कई ऐसी चीज है जिसको नहीं बोला जा सकता है, लेकिन महतो जाति के नेताओं ने इस आंदोलन को फंडिंग भी किया है, इस तरीके की भी खबरें हैं, लेकिन इन सबको अगर हटा दिया जाए तो एक जो अच्छी तस्वीर निकल करके यही आई कि अगर किसी भी मुद्दे के साथ अगर लोग जुड़ते हैं और उस मांग पे अगर भीड़ एक साथ होती है जायज मांगों के साथ, तो सरकार को झुकना पड़ता है। और यही वजह है कि आज देखिए कि मगही और भोजपुरी जो बोलने वाले लोग हैं उनके बातों को सुनकर के जो है सरकार जो है झुकी है, और मगही और भोजपुरी को बोकारो और धनबाद से हटा दिया गया है। हालांकि मगही और भोजपुरी अभी भी कुछ कुछ जगहों पे है, जैसे कि आपका गढ़वा है, हाँ, पूरा पलामू प्रमंडल जहां मूल है, और चतरा में मगही है, सिर्फ भोजपुरी नहीं है। बाबा एक चीज जो हम लोग यहाँ पे जो दर्शक हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं
उनको सबसे पहले हम लोग मिलान करा करके एक एक जिला का बता देते हैं। अच्छा, हाँ, क्या चेंजिंग आपके पास पुराना है? मेरे पास जो दर्शक अभी देख रहे हैं, मेरे पास वो अधिसूचना का एक कागज है जो कि 24 दिसंबर 2021 को जो है जारी किया गया था सरकार की तरफ से, और इसी पेपर के अनुसार जो है बोकारो और धनबाद में भी मगही और भोजपुरी को मान्यता दी गई थी जिलेवार स्थानीय भाषा के शक्ल में। और ये मेरे पास अधिसूचना है जो 18/2/2022 को यानी आज हुआ है, जिसमें साफ लिखा है कि अधिसूचना संख्या 8770 दिनांक 24/12 को विलोपित करते हुए, मतलब संशोधित कर दिया गया है। तो आप रांची से शुरू कीजिए पहले कि देखिए रांची में जो पिछला था वो मैं पढ़ूंगा और बाबा जो है इसमें मिलान करेंगे और उससे आप समझिएगा कि कहाँ किस भाषा का बदलाव हुआ है। तो रांची में पहले जनजातीय भाषा में कुड़ुख, खड़िया, मुंडारी, हो, संथाली और क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो है नागपुरी, पंच परगनिया, उर्दू, कुरमाली और बंगला था। ये जसकतस है रांची जिला में। अब लोहरदगा जो है दूसरे नंबर पे जो आता है उसमें जनजातीय भाषा में कुड़ुख, असुर, बिरजिया और क्षेत्रीय भाषा में उर्दू और नागपुरी है, वो अभी भी है। गुमला में चलते हैं, गुमला में कुड़ुख, खड़िया, असुर, बिरहोरी, बिरजिया, मुंडारी और क्षेत्रीय भाषा में उर्दू और नागपुरी। हाँ, गुमला में अभी भी है। सिमडेगा में चलते हैं, सिमडेगा में पहले खड़िया, मुंडारी, कुड़ुख और क्षेत्रीय भाषा में उर्दू, नागपुरी। हाँ, ये जसकतस है सिमडेगा। पश्चिमी सिंहभूम चलते हैं जहाँ पहले हो, भूमिज, मुंडारी, कुड़ुख, संथाली और क्षेत्रीय भाषा में कुरमाली, उर्दू और उड़िया। हाँ, ये भी जसकतस है। पश्चिमी सिंहभूम, मुंडारी, हो, भूमिज, संथाली, कुड़ुख और क्षेत्रीय भाषा में कुरमाली, बंगला, उर्दू, उड़िया। हाँ, ये भी जसकतस है। सरायकेला, संथाली, मुंडारी, भूमिज, हो और क्षेत्रीय भाषा में पंच परगनिया, उर्दू, उड़िया, बंगला, कुरमाली। हाँ, ये भी सरायकेला में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। लातेहार में कुड़ुख, असुर, बिरजिया और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, उर्दू और मगही। हाँ, ये लातेहार में भी कोई बदलाव नहीं है। पलामू, कुड़ुख और असुर, पलामू में जनजातीय भाषा में कुड़ुख और असुर को जगह दिया गया है और जबकि क्षेत्रीय भाषा में यहाँ पे मगही, उर्दू, भोजपुरी और नागपुरी। हाँ, ये भी पलामू जसकतस है, उसमें कोई मतलब पलामू में भोजपुरी और मगही, चूंकि भोजपुरी और मगही पे हम लोग इसलिए जोर दे करके आपको बता रहे हैं क्योंकि यही वो भाषा है, दो भाषा है क्षेत्रीय भाषा जिसको लेकर के पूरे झारखंड में विवाद चल रहा था। अब आज का नोटिफिकेशन में जो है इसमें बदलाव किया गया है, लेकिन पलामू में भोजपुरी और मगही है। गढ़वा जहाँ से मिथिलेश ठाकुर मंत्री हैं, जेएमएम के विधायक भी हैं, और वो जब भोजपुरी और मगही को हटाने के लिए ये चल रहा था बाबा, जब हटाया गया था तो बकायदा उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी, और गढ़वा में जो है कुड़ुख जनजातीय भाषा में वो शामिल है, नागपुरी, मगही, उर्दू और भोजपुरी जो है इसको हटा दिया गया है, नहीं इसको जोड़ा गया है, माफ कीजिएगा, ये जसकतस है, मतलब कि ये गढ़वा में भी कोई परिवर्तन नहीं है, नागपुरी, मगही, उर्दू और भोजपुरी है। दुमका, दुमका में संथाली और मालतो, ये जनजातीय भाषा का दर्जा है वहाँ पे। खोरठा, बंगला, उर्दू और अंगिका। हाँ, इस वहाँ भी कोई बदलाव नहीं है दुमका में। जामताड़ा में जनजातीय भाषा में संथाली और क्षेत्रीय भाषा में खोरठा, उर्दू, बंगला और अंगिका। हाँ, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। साहेबगंज, संथाली, मालतो, खोरठा, बंगला, उर्दू, अंगिका। हाँ, साहेबगंज में भी कोई बदलाव नहीं है। संथाली पाकुड़ में संथाली, मालतो, खोरठा, बांग्ला, उर्दू, अंगिका। पाकुड़ में भी बदलाव नहीं है। गोड्डा, संथाली, मालतो, खोरठा, उर्दू, अंगिका, बांग्ला, यहाँ भी कोई बदलाव नहीं है। कोई बदलाव नहीं है। हजारीबाग, संथाली, कुड़ुख, बिरहोरी, नागपुरी, कुरमाली, उर्दू, खोरठा। हाँ, कोई बदलाव नहीं है। यहाँ भी कोई बदलाव नहीं है। कोडरमा, संथाली, कुरमाली, उर्दू, खोरठा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। चतरा, संथाली, कुड़ुख, मुंडारी, बिरहोरी, क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, उर्दू, खोरठा और मगही। हाँ, चतरा में भी कोई बदलाव नहीं है। छह जिले अभी और बचे हैं, वो भी छह जिला में
क्या कुछ पहले था अभी क्या है वो आपको हम लोग एक एक करके बता रहे हैं। बोकारो जहाँ पे सबसे ज्यादा विवाद जो है बोकारो से शुरू हुआ, यहाँ पे जनजातीय भाषा के रूप में संथाली हो मुंडारी है, हाँ, अभी भी है। और क्षेत्रीय जन भाषा के रूप में नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, उर्दू, बंगला, भोजपुरी और मगही। भोजपुरी और मगही को नई अधिसूचना में हटा दी गई है बोकारो से। तो ये जो बोकारो में जो पहले जो 24 दिसंबर को जो 2021 में जो जारी किया गया था अधिसूचना, और आज का अधिसूचना में जो मेन जो फेरबदल है वो यही है कि बोकारो से जो है भोजपुरी और मगही को हटा दिया गया है। धनबाद में जनजातीय में संथाली और क्षेत्रीय में नागपुरी, कुरमाली, उर्दू, खोरठा, बंगला, भोजपुरी और मगही, यहाँ से भी धनबाद से भी हटा दिया गया। सेम यही मतलब जो है धनबाद और बोकारो से हटाया गया है। बाकी के जो बाकी जिले हैं, जो जिले हैं गिरिडीह, देवघर, रामगढ़ और खूंटी, वहाँ पे जो भी भाषा पहले था जैसे कि जनजातीय में संथाली था गिरिडीह से, देवघर से संथाली था, रामगढ़ से संथाली, कुड़ुक बिरहोरी था, खूंटी से कुड़ुक खड़िया मुंडारी था, और क्षेत्रीय भाषा के रूप में गिरिडीह से खोरठा उर्दू कुरमाली, देवघर से खोरठा उर्दू कुरमाली गिरिडीह, ठीक है, हाँ, देवघर से खोरठा अंगिका उर्दू बंगला, रामगढ़ से नागपुरी उर्दू कुरमाली खोरठा, खूंटी से नागपुरी पंचपरगनिया उर्दू कुरमाली। हाँ, मतलब नई अधिसूचना में यही कहे कि बोकारो और धनबाद से मगही और भोजपुरी को हटा दिया गया है। एक तो नई चल तो जब जगन्नाथ महतो कहते थे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा कोई हो लेकिन वो बार बार ये बात को कहते थे कि भोजपुरी मगही नहीं चलते, तो नहीं चला। हेमंत सोरेन ने उनकी बात मान ली, लेकिन अभी गिरिडीह में ही चिंतन शिविर होना है कांग्रेस का, और वहाँ पे ये मुद्दा अहम था कि क्या वाकई में भोजपुरी और मगही को लेकर जो पूरे राज्य में विवाद छिड़ा था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जितने लोग इस चीज़ को देख रहे हैं वो तो अब इस बात को नहीं उठाएंगे क्योंकि सरकार ने उनकी मांगे मान ली, भोजपुरी और मगही को हटा दिया धनबाद और बोकारो से। क्या अब चिंतन शिविर में कांग्रेस के लिए सिरदर्द होगा उनके नेताओं के लिए? तो चिंतन शिविर तो बाबा बाद की बात है, चिंता तो इस अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद से कांग्रेस जो है और राजद जो कि इकट्ठा होंगे सारे विधायक, वो तो एक अलग चीज है, कार्यक्रम है वो चिंतन शिविर नाम दे दिया गया है। कांग्रेस और राजद को तो चिंता करना ही होगा क्योंकि उसका जो वोट बैंक है, लालू जी ने भी सीधा कह दिया था, लालू यादव जो कि राजद के सुप्रीमो है, अभी चारा घोटाले मामले में फिर से उनको सजा सुना दिया गया है, दोषी करार दिया गया है, सजा 21 तारीख को सुनाना है, वो रांची में ही है, पेइंग वार्ड में, हो सकता है कि हम लोगों का लाइव वो देख भी पा रहे हो, हालांकि मोबाइल रखने का तो सुविधा नहीं है लेकिन उन तक खबर तो पहुंचेगी ही कल अखबार के जरिए। तो जब उनको ये पता चलेगा कि भोजपुरी और मगही को हटा दिया गया है, तब जबकि लालू प्रसाद यादव राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के ठीक बगल में तकरीबन 700 से 800 मीटर के बगल दूरी पे जो है स्टेट गेस्ट हाउस में बैठ करके जब वो बयान दे रहे थे कि भोजपुरी को कौन हटा सकता है, भोजपुरी वाले लोग किसी से डरते नहीं हैं और जो भोजपुरी का विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे, तो उनको उनके लिए जो है, और खास करके बोकारो और धनबाद जैसे जगहों पे जहाँ पे आरजेडी को कांग्रेस को ये लगता है कि उसका फ्यूचर है वहाँ पे, तो वहाँ पे इन लोगों के लिए तो चिंता की बात है। आप मतलब देखिए कि रामेश्वर उरांव का हम लोग एक बयान जो है कल रात में ही भाषा सोच समझ के लिया गया है, रामेश्वर उरांव ने स्पष्ट कहा कि भाषा को लेकर के आंदोलन की जरूरत ही नहीं है। हालांकि सरकार को आप पूरे तरीके से नहीं बोल सकते हैं कि सरकार भोजपुरी का विरोध कर रही है, अगर सरकार भोजपुरी और मगही का विरोध करती तो पलामू, गढ़वा और चतरा जैसे जगहों पे तो नहीं दिखता इस अधिसूचना में जो नई अधिसूचना जारी की गई है। लेकिन जो एक दबाव था खास करके बोकारो और कोडरमा में, जिस तरीके बोकारो और धनबाद में लाखों की संख्या में यूथ खास करके इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस उन जिलों में अपने आप को मानती है कि हम बीजेपी के टक्कर में हैं या झरिया से उनके विधायक है, तो क्या अब वो एग्रेशन अब फिर उसके पक्ष में दिखेगा आपको लग रहा है? कांग्रेस का अग्रेशन कुछ चल नहीं रहा है वो स्पष्ट है, जो भी कांग्रेस पार्टी के लोग देखते हैं और बाद में हम लोगों से बातचीत करते हैं कि अरे आपने ये क्या बोल दिया, लेकिन इसके बावजूद उनको ये स्पष्ट होना चाहिए और उनको पता भी है कि कांग्रेस का जो है सरकार में बहुत कुछ चलना नहीं है और चल भी नहीं रहा है। यही वजह है कि जब यूपीए की बैठक में पिछला जो सत्र था उसमें आप देखिए कि शीतकालीन सत्र जो हुआ उसमें यूपीए की बैठक में कांग्रेस पार्टी के कोई भी विधायक नहीं गए और कांग्रेस ये प्रयास कर रही थी कि नहीं जा करके एक दबाव जो है सरकार पे बनाए
कि पंचायत सचिव का मसला हो, अभी तो चूंकि हम लोग भाषा पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आपका सवाल है कि कांग्रेस का दबाव क्या काम कर पाएगी सरकार के ऊपर, तो सरकार के ऊपर किसी भी तरीके का दबाव जो है कांग्रेसियों का नहीं है। और यही वजह है कि जब भाषा का तो अब छोड़ दीजिए, पंचायत सचिव पे जो कि कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के उसका प्रभारी से लेकर के सारा विधायक से लेकर के सारा मंत्री तक जिस बातचीत को लेकर के बोले कि नहीं पंचायत सचिव का जो मसला है उस पर हम लोग देख रहे हैं और उसका रिजल्ट जारी कराएंगे, और उसको लेकर के एक दबाव भी बनाया जा रहा हो 27% OBC का आरक्षण का बात को लेकर के हो, स्थानीय नीति का डिक्लेरेशन को लेकर के हो, तो सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। और हेमंत सोरेन मतलब हेमंत जी मतलब इस सरकार को अपने तरीके से चला रहे, गठबंधन की सरकार नहीं कह सकते आप ये? नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसे भी जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपने तरीके से ही चलाते हैं, लेकिन गठबंधन की जो सरकारें होती है बाबा, उसमें जो हम लोग समझ पाते हैं जितना अब तक जो कवरेज के माध्यम से या फिर पढ़ लिख करके जो समझे हैं, उसमें एक गठबंधन दलों को साथ में लेकर के उनके विचारों को लेकर के उनके मुद्दों को लेकर के ही चला जाता है। लेकिन आप दो साल जो सरकार का हुआ है कोरोना और इन सब चीज़ों को दरकिनार हटा करके और बाकी जिन मुद्दों पे भी डिसीजन लिया गया है, उसमें आप देखिए कि कांग्रेस और राजद की क्या भूमिका रही है उसमें। लेकिन एक चीज़ देखिए, आप महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने सरकार मिलाई अपने सहयोगी से मिलकर, वहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पहले बना फिर बाद में शपथ ग्रहण, यहाँ पे अभी तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी नहीं बना। तो अब लग रहा है कि चिंतन शिविर में सारे विधायक अपने नेताओं को एग्रेशन शो करेंगे, या खासकर धनबाद और बोकारो के लोग, या फिर कांग्रेस भी इस मुद्दे पर दो फाड़ में दिखेगी? कुछ भी वहाँ चिंतन आप कर लीजिए, आपकी यहाँ पे चलने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर आप देखिए कि UPA के, मैं बार बार इसलिए जिक्र करता हूँ कभी, कि UPA की बैठक में आपके पार्टी का डिसीजन होता है कि हमको मुख्यमंत्री के आमंत्रण को जो है अस्वीकार करते हुए उस बैठक में नहीं जाना है। दूसरे दिन जो है कांग्रेसियों के यहाँ ही जो है मुख्यमंत्री चले जाते हैं उनके विधायकों के यहाँ, तो दबाव कैसे काम आएगा जब तक यहाँ पे लोग एकजुट नहीं है, तो इन लोगों का दबाव कुछ काम नहीं। RJD क्या करेगा? अच्छा खाना का व्यवस्था जहाँ तक मैं कांग्रेस पार्टी को चूंकि मैं कवर करता हूँ तो यही पता चल रहा है कि वो लोग अच्छा खाना पीने का व्यवस्था कर रहा है वहाँ पे, और इससे ज़्यादा चिंता हमको नहीं लगता है कि कांग्रेसियों को और करना चाहिए झारखंड में, क्योंकि दो सालों में अब तक तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी मुद्दे पे जो है जा करके अपने अधिकार की तरह जो है, चूंकि सरकार में शामिल 18 RJD का क्या रिएक्शन होगा, चूंकि लालू जी भी हैं और आज मैंने बात किया था उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो नए बनाए गए हैं पहले संजय सिंह यादव हुसैन, वो उन्होंने भी कहा कि नहीं भाषा पे हमारा स्टैंड क्लियर है, तो अब क्या RJD भी कुछ आँख तड़ेड़ेगी? नहीं, देखिए भाषा पे RJD का कोई भी नेता लालू यादव के बयान से पहले बोलने के लिए तैयार नहीं था। स्पष्ट है कि RJD में अगर कोई लाइन ले सकता है तो वो लालू प्रसाद यादव ले सकते हैं या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव लाइन लेंगे। और दो तीन महीने 2021 में अक्टूबर नवंबर सितंबर को अगर देख लें हम लोग, तो तेजस्वी यादव ने कोशिश की कि झारखंड में हम कुछ एक्टिव दिखें, लेकिन उसके बाद उनकी शादी हुई और अभी जो है उसके बाद से जो है झारखंड में उनका कोई फोकस नहीं है। लालू प्रसाद यादव चूंकि यहाँ पे आए थे और हमको तो लगता है कि चूंकि आप पूरा बयान देखेंगे लालू प्रसाद यादव का, सुनेंगे उनका बयान, तो उसमें उनको ये स्पष्ट भी नहीं था कि कहाँ पे क्या भाषा का विरोध चल रहा है, या फिर विरोध है मगही और भोजपुरी का विरोध है, या फिर अपने भाषा के अधिकार का लड़ाई है। देखिए दो चीज़ है ना, अगर कोई आपको बोले बाबा कि इस चीज़ का विरोध हो रहा है तो वो तो आदमी उस तरीके से रिएक्ट करेगा, लेकिन बोकारो और धनबाद में जो जयराम महतो जैसे लोग या फिर और भी जो दूसरे लोग जो उसका जो आंदोलन का उनको नेतृत्व कर रहे थे, या फिर जगन्नाथ महतो भी, जब इन लोगों पे दबाव पड़ा सरकार में जो शामिल लोग हैं जो मंत्री हैं, इन लोगों का भी ये कहना था कि भोजपुरी भाषा और मगही भाषा का विरोध नहीं है या फिर बोलने वालों का विरोध नहीं है, प्राथमिकता में कौन रहेगा बात इसकी है, आंदोलन इसकी है, इसके लिए लड़ाई चल रही है और प्राथमिकता यहाँ के स्थानीय लोग होंगे। तो लालू प्रसाद यादव को चूंकि बोला गया होगा उधर से एक बयान दे दिए होंगे वो, तो अब जब तक कि कोई बड़ा नेता RJD से कोई इस पे स्टैंड नहीं लेता है तब तक आप उम्मीद मत कीजिए, और खास करके झारखंड में अभी जो RJD का जो हाल है तो यहाँ नहीं लगता है कि कोई मुखर तरीके से कोई बोल भी पाएगा, या फिर कोई बोलेगा भी तो सुनेगा कौन, जब कांग्रेस जिसके पास 18 विधायक है उसकी तो चल नहीं रही है तो RJD को कौन ठीक है। अब इस सीधा प्रसारण को खत्म करने का वक्त आ गया है, तो एक बार फिर से बता दें, सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है
जो अधिसूचना वो बताती है कि किस जिले में, राज्य के किस जिले में क्या जनजातीय भाषा है और क्या क्षेत्रीय भाषा है। नई अधिसूचना में धनबाद और बोकारो दोनों जिलों से भोजपुरी और मगही को हटा दिया गया है, जिसको लेकर कई तरीके का आंदोलन चल रहे थे। अब उसका पटाक्षेप हो गया है, लेकिन सरकार की ये अधिसूचना आगे क्या रंग लाती है उस पर भी हम लोग आपको न्यूज़ दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग इतना हमारे साथ जुड़े रहें और इसको शेयर भी किया।